मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड बोलने में मजा आता है जैसे कॉन्स्टिपेशन पॉडकास्ट तो हाँ मतलब पॉडकास्ट इज सच सच ए नाइस नेम टू एन इंटरव्यू है ना पॉडकास्ट। लेकिन आज सब देखते हैं आजकल चोरे में सब चोरी में जा रहे हैं। अब तो इंडिया में बैन हो गया ना क्या पॉन? नहीं मैंने तो बहुत टाइम से नहीं देखा। अच्छा जब से बैन हुआ क्या यही पवन स्टार पवन स्टार नहीं देखा आपने? देखा क्या पवन स्टार होता है? ये हमारे साथ वाले जिले का लड़का है। अच्छा पवन स्टार। तो हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि जिस प्रकार से आने वाले सालों में इलेक्शन में खड़े नहीं हो पा रहे तो उनको इलेक्शन में खड़ा करने मदद कौन कर पाएगा, मियां खलीफा या डैनी डैनियल्स? लोगों को समझ तो आ गया मतलब कह रहे भाई जो खड़ा करने वास्ते किसी की लोड़ नहीं खड़े ही खड़े ने बस। लेकिन अरे इमेजिन करो एक पी का कोई या कोई और ऐसे स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर तुम्हें पकड़ के बैठा है, ठीक है बताओ क्यों बनाई तूने, और वो आगे से बोलता है सर पापा का परा ने मुझे पापा का परा शॉक लगे उसको कि पापा का परा। तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं श्री राम हलवाई के यहाँ से चोरी हो रहे हैं रोज 4 बेसन के लड्डू, तो आइए जानते हैं इस पे आम जनता का क्या कहना है। मेरा नाम है त्रिलोचन, तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो त्रिलोचन। आपका भी बहुत बहुत वेलकम 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 हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये हमारे सर हैं सुधीर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हमारे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है। हाँ कोई नहीं, मेरी भी बहुत अच्छी है। तो बताइए तो त्रिलोचन, फॉर दोज हु डोंट नो, हाँ मेरे को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया था त्रिलोचन से। त्रिलोचन इज अ कॉमिक, हाउ डू यू लाइक टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे अपने आप को आप? तो मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम त्रिलोचन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मैं बेसिकली लोगों का बनाता हूँ एक रिपोर्टर बनके, मतलब कुछ भी उनसे रैंडम सवाल पूछता हूँ, कुछ भी करता हूँ, बस भी करता हूँ। नाइस। सो फॉर दोज हु डोंट नो, जिनको ये समझ नहीं आया, त्रिलोचन इज़ अ कॉमिक हु इज़ वेरी वायरल ऑन इंस्टाग्राम। इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन त्रिलोचन, जस्ट कम्प्लीटेड हिज 20,000 फॉलोअर्स। कल हुए हैं, परसों हुए, कब हुए? ये 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। सो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब 20,000 के बाद मजा आता है। बट अच्छा, इनमें से लार्जली जो तेरे फॉलोअर्स हैं, इंटरेक्ट कितनों से करना, मतलब जैसे शाहिद कपूर के इतने फॉलोअर्स हैं कि वो जहाँ जाता है उसको उसका फॉलोअर मिलता है, तेरे को मतलब हाउ मच डू यू कम अक्रॉस पीपल हु नो यू एंड यू गेट टू मीट देम इन रियल, मतलब रियल लाइफ में जिनसे एक्चुअल में बात होती है? हाँ। इतना नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जितने भी इंटरनेट पर मिलते हैं वो ज़्यादातर अलग शहरों के होते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी होता है, जैसे मैं यमुनानगर में पढ़ता हूँ मैं, तो वहाँ भी होता है कोई ना कोई मिल जाता है कि हम तेरे को जानते हैं त्रिलोचन, ऐसा होता है। तो बहुत सही लगता है। तो अभी तक किसी ने सेल्फी ली है सर? सेल्फी ऐसा हो रहा था, मैं एकदम ऐसे एकदम मैं बस से उतरा, मैं घर आ रहा था एकदम से, पहले एक बंदे ने एकदम गाड़ी रोकी मेरी, फट गई, मतलब था हट्टा कट्टा थोड़ा जाट गुजर टाइप। मैंने कहा भाई मारेगा, वो आया त्रिलोचन, मैंने कहा हाँ भाई, कहता भाई बिग फैन, मैंने सही है, कहता मेरे को पता था तू यहीं पे रहता है लेकिन मेरे दोस्त नहीं मान रहे थे, फिर उसने सेल्फी ली तो थोड़ी ऐसे सेलिब्रिटी वाली फील आई, तो अच्छा सा लगा। तो तूने फिर करा उसको एक मिनट? नहीं, मेरी थोड़ी सी फट गई थी लेकिन जब उसने बोला ना एकदम बिग फैन, वो इसीलिए एक मिनट की थोड़ा सा हाँ नहीं मैंने करी, मैं थोड़ी जब उन्होंने कहा मैं फोन निकालू तब तक मैं पगड़ी सेट करने लग गया था, मैंने कहा फीलिंग तो लेने थोड़ी फीलिंग तो, लेकिन स्टोरी नहीं डाली। लड़की ने लिया आज तक कभी सेल्फी? लड़कियाँ कहाँ लेती हैं? हैं लड़कियाँ नहीं लेती, क्यों पता नहीं, ऐसा क्या चीज़ है? किसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फी की बात कर रहा हूँ? हाँ सेल्फी की। तो मैं सभी लड़कियों से बोला जाता हूँ कि अभी जो कॉलेज में है इसके साथ सेल्फी ऑटोग्राफ जो लेने ले लो प्लीज, कल को पता नहीं फिर तुम पीछे पीछे जाओगी कि हमारे कॉलेज में पढ़ता था, कल को पता के बारे में मजाक करने के बाद इसको कोई मार दे तो उससे पहले पहले तुम तो कहीं कल तुम बोलो कि बच्चों ये तुम्हारे मामा जी तो इससे पहले तो सेल्फी वगैरह ले लो, तो ये बट ले लो। बट आई हैव बिग आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कॉमिक एंड अ बिग एंटरटेनर इन द फ्यूचर, मतलब लगे रहो
जितनी भी मैं कुछ कुछ वीडियो ना थोड़ी मेरी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कंट्रोवर्शियल है। हाँ, कंट्रोवर्शियल है मेरे को ना, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले, अब तो थोड़ा कम है, मेरे को जब से मेरी कुछ वीडियोस थोड़ी सी वायरल हुई उनमें कुछ कुछ चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, तो मेरे को ना रोज़ 2-3 अननोन नंबरों से कॉल आते थे, मैं उठाता ही नहीं था, क्योंकि पहले भी हुआ है, उससे पहले ही मेरे को कॉल आए हैं। एक मेरी वीडियो थी मतलब जिसमें मैं एंड्रयू टेट के बारे में बात कर रहा था, मैंने एंड्रयू टेट को ठीक है चाचा का लड़का बताया था, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे भी गंजे हैं वैसे एंड्रयू टेट भी गंजा है, तो आपस में चाचा भतीजा है, तो वो लोगों को थोड़ी ऑफेंड कर गई थी वाली चीज़। तो उसको, उस पर मेरे को कॉल आया था कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है ये वो, या तो वीडियो हटा दे या तो खुद समझदार होगा। मैंने वीडियो फिर भी नहीं हटाई। जो तू समझदार नहीं है, मतलब नहीं समझदार तो नहीं है। इज दैट वीडियो ऑनलाइन राइट नाउ? ओके, बिकॉज जब मैंने इससे पहली बार फोन पे, जब हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे से बात कर रहे थे ना, मुझे इसकी रिजर्वेशन सुनी आवाज में, देखो जेन्युइनली लगा कोई प्रैंक कर, ऐसा लगा कि हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, बट देखो ऐसा लगा कि कोई प्रैंक कर रहे हैं, दिस इज नॉट सीरियस पॉडकास्ट टॉक। थोड़ा सीरियस तो लगा मेरे को, क्योंकि आपने पहले मेरे को अपने पेज से ही मेरे को टेक्स्ट किया था, तो बल्ले बल्ले से ही मैसेज किया, क्योंकि अगर आप सीधा मेरे को कॉल करते तो वो मेरे को लगता नाइस, सो यू आर नॉट स्केर्ड, और यहां आके भी ऐसे कभी बीच में नहीं लगा ना? हाँ बस, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने करा था कि भाई ये लोकेशन भेज दो, ये वो सब चीजें। मेरे को लगा कि मतलब कि ना जैसे अभी स्टेशन पे उतर के ना इसको थोड़ा सा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वैन आए उठा के दरवाजा खुले इसको अंदर डाला ना, क्या जी बहुत मिल्क प्रोवाइड करा रहे थे। वी शुड पुट दैट वीडियो, बट इंस्टाग्राम की वीडियो यूट्यूब के लिंक नहीं डाल सकते हैं, बस ये ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारे अभी का तो नहीं पता, निकाल लेंगे नहीं अभी, ऑन ऑलरेडी ले लो ना, कल को पता लगा स्टार बना इसने कहा तुम्हारी ये एडवाइस आपने दी थी, एक्चुअली देनी नहीं चाहिए, लोग ले लेते हैं बाद में। सही बात है, सबको नहीं मिलती। ओके, तो और कॉलेज क्या मतलब कि ये आइडिया कहाँ से आया ये करने का? ये आइडिया कुछ ऐसे था, मैं और मेरा दोस्त एक बार हम कहीं से घूम के हम घर जा रहे थे, कहाँ से हम वैसे कहीं घूमने जा रहे थे, तो हम घर जा रहे थे तो रास्ते में ना एक रिपोर्टर खड़ा था, उसके आजू बाजू बहुत सारी भीड़ थी, तो मेरे को एकदम से आइडिया आया कि मैं ये क्यों ना करूँ, मैं भी जाता हूँ एक रिपोर्टर बनके, कैमरा ले लेंगे, ट्राइपॉड मेरे पास पड़ा हुआ था, ट्राइपॉड लेके चलते हैं, गले में डाल लेते हैं आई कार्ड, चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो मैंने उसको कॉल करा कि चल हम भी चलते हैं, हम गए, मैं खड़ा हो गया, मेरे को लगा अपने आप लोग आते रहेंगे, लेकिन लोग नहीं आए। अच्छा, फिर मैंने कहा ना हमने इनसे खुद पूछना पड़ेगा, मैंने 4-5 लोगों से पूछा कि हम ऐसे न्यूज़ से हैं तो हमें कुछ, हम देश के रिगार्डिंग जो भी देश में मसले चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन पूछने हैं, कोई आए नहीं। फिर भी धीरे धीरे जो थोड़े थे ड्रंक लोग वो आने शुरू हो गए, उनका इंटरव्यू लिया। पहला मेरा वीडियो था प्राइड मंथ के ऊपर, जो एलजीबीटी लोग होते हैं, कि जैसे मेरा टॉपिक ये था कि इतनी भीषण गर्मी में भी एलजीबीटी के लोग प्राइड मंथ का त्यौहार मना रहे हैं, तो इस पर जी कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो वो बहुत सही रिएक्शन थे लोगों के। तो वो पहले वो एक मतलब एक्सपेरिमेंट सा था मेरा कंटेंट में, मैं मतलब मैं इतना ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता, अब भी नहीं करता, पहले भी मैं था कि मैं सिर्फ कॉल प्रैंक्स वगैरह डालता था, यूट्यूब में बहुत पहले करता था, वो छोड़ दिया था। तो एक एक्सपेरिमेंट था, वो चला, वो मतलब बहुत सही चला, उस पर रिस्पॉन्स सही आया, तो मैंने उसी चीज़ को आगे थोड़ा कंटिन्यू करा। लेकिन स्टार्टिंग वाले कॉन्टेंट तो शायद मेरे ख्याल से इसके वही कॉल वाले ही हैं ना? डोमिनोज से तेरी क्या खुंदक है? डोमिनोज वाले खुंदक तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार लोग हैं, बहुत मजेदार। अभी तक देखो, अभी तक गाली पड़ी है कभी डॉम? नहीं, गाली तो नहीं देते, मन में देते होंगे, लेकिन उनका पता क्या सीन होता है कि वो हमें फोन पे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड उनकी भी हो रही है, तो वो बस मन में देते होंगे। बट ओवरऑल दे बी नाइस टू यू। पिज्जा मिला फ्री? यार पिज्जा नहीं मिला फ्री, नहीं मिला, कोशिश बहुत करी। देखो मैं बताना चाहता हूँ डोमिनोज वालों, इन्होंने बहुत प्रमोट किया आपको, इनको प्लीज प्लीज एक फ्री पिज्जा तो एक नहीं मतलब कि जितने आप दे सकते हैं। मैंने एक बार कॉल किया था डोमिनोज वालों को, वो मेरी पता नहीं ऑडियो शायद पता नहीं वो डिलीट हुई गलती से, उसमें मैंने क्या किया था, मैं बना एक लड़का, मैंने कहा हेलो लड़का तू है नहीं, एक मैं छोटा लड़का बना। अच्छा, हाँ मैं लड़का ही। तो मैंने कॉल किया कि हेलो सर मैं ऐसे, मेरे को एक पिज्ज़ा चाहिए, फिर मैंने अपनी आवाज़ चेंज करके अपने बाप की आवाज़ में, अच्छा केड़ी माड़ा गल्ला कर रहे हैं, मतलब कि मैंने कहा डैडी कुछ नहीं, वो ट्यूशन टीचर का फोन है, मैं उन्होंने गल कर रहा हूँ, इधर गल करा। फिर मैंने कहा डोमिनोज वालों को कि भैया एक हेल्प कर सकते हो? कहते हाँ, मेरे ना पापा आ गए हैं,
उन्हें ये मत बताना आप डोमिनो से बात कर रहे हो, आप ना मेरे ट्यूशन टीचर बन के बात कर रहे हो। ओह नाइस। तो फिर मैंने कहा पापा से बात करो क्या? वो कहा हेलो, कि हाँ जी सर, कि आप इसके ट्यूशन टीचर बात कर रहे हैं? वो कहता है हाँ जी सर। ओ फक, अच्छा। कहता है ये पढ़ता है? कह हाँ जी बिल्कुल पढ़ता है। मैंने कहा इसे मैथ नहीं आती है? कह सर बिल्कुल आती है मैथ, इसे बहुत अच्छी मैथ करता है। कह लेकिन ये तो आपके पास साइंस ट्यूशन आता है। मैं क्या, फिर कहते ये कुड़ियों के साथ तो बैठता नहीं, कुड़ियाँ तो मतलब कुड़ियों से बात तो नहीं करता ये? कहते नहीं सर बिल्कुल भी नहीं करता। क्या कंजरा, मैं तेन ऐसे कहाँ ले भेजिया? मतलब मैंने उसे कहा कि मैं उसे ऐसे करेक्टर में बात कर रहा था कि तेरे को मैंने लड़कियाँ पटाने के बजाय तो क्या काम कर रहा है। मतलब मैंने वो बहुत सही मतलब रिकॉर्ड हो गई थी। स्वीट ऑफ दैट गाय आल्सो, सही बात है। मैं थोड़ा करेक्टर, इनका कॉल सेंटर कहाँ है डोमिनोज वाला? कोई सेंट्रलाइज्ड है। वन ऑफ हिज वीडियोस में कोई वो बंदा बताता है बार बार कि ये सेंट्रलाइज्ड कॉल है ना, ऐसा कुछ है। कहाँ पे होगा मतलब? मतलब जो उनका मेन नंबर होता है ना, उनकी हेल्प से ये ऑडियो मिल जाए तो बिल्ली बिल्ली वाले तो होंगे नहीं। उनका वही होता है ना जो मेन नंबर होता है उनका, वो वहीं से अपना वो डाइवर्ट कर देते हैं कि जिससे ये ठीक है। दोबारा ट्राई करना था, दोबारा फिर करा था, फिर मन नहीं करा। अच्छा, एक बार वो चीज खत्म होगी ना। वो पूरी मैंने इसके स्क्रिप्ट से लिखी थी, बहुत सही थी वो। बट जब तुमने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, वाज इट जैसे अब कई लोग होते हैं इंस्टाग्राम में, आई थिंक तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अकाउंट बना के सिर्फ लोगों की रील्स और पोस्ट देखते हैं, एक होते हैं जो अपना फ्लेक्स करते हैं कि देखो भाई मैं तैयार होके यहाँ खड़ा हूँ शादी में। फिर कई लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर के माइंडसेट से ही आते हैं, दैट जस्ट पोस्ट फॉर कंटेंट। सो व्हाई डिड यू स्टार्ट इंस्टाग्राम? तो जब मैंने शुरुआत की थी वहीं सेकंड टाइप वाले लोग की, बस अच्छा दिखना है, फोटो डालनी है, थोड़ा फ्लेक्स करना है, उससे शुरू किया था। और लेकिन उसके साथ साथ ना मैं यूट्यूब भी कर रहा था। मैं यूट्यूब पे वाइंस और शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता था। अच्छा। तो फिर वहाँ मेरा यूट्यूब पे इतना सही चला नहीं, फिर मैंने ना थोड़ा इंस्टाग्राम पे ही थोड़ा कंटेंट बनाना शुरू किया, थोड़ा रिलेटेबल से टाइप्स ऑफ पीपल वगैरह से होते हैं ना वीडियोस। अच्छा। वो मैंने डालने शुरू करे, अपने यूट्यूब वीडियोस को मतलब शॉर्ट्स बना के वहाँ डालने शुरू किए इसी अकाउंट पे। उसी इसी अकाउंट पे इसी पे शुरुआत की, थोड़ा बहुत चला लेकिन मेरे को ना इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर ना अब एक मीम कम्युनिटी है, मेरे को इस बारे में मालूम पड़ा। अब मीम कम्युनिटी भी ना दो टाइप की है, जो एक थोड़ी मेन स्ट्रीम टाइप है और एक थोड़ी डैंक टाइप है। थोड़ी वो ऑफेंसिव चीज़ रहती है, वो ज़्यादा मतलब वो अंडररेटेड टाइप मान लो थोड़ा उसे, वो थोड़ी डैंक टाइप में आ जाती है। मेरे को पहले मेन स्ट्रीम का पता लगा, मैं उसमें गया, फिर मेरे को डैंक का मालूम पड़ा। उसमें क्या रहता है मतलब चीज़ें ना थोड़ी ऑफेंसिव रहती हैं, मतलब वो उससे काफ़ी अलग है, डार्क हाँ डार्क ह्यूमर टाइप। तो जब मैं पहले पहले गया तो एक मतलब मेरे रिलीजन पे ही मीम था, मैंने उस मीम पेज को भर के गालियाँ दी, बहुत भर के। फिर मेरे को धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इस टाइप की भी कोई चीज़ होती है डैंक ह्यूमर जैसा, कि बस जो भी चीज़ है वो होती है। तो फिर मैंने इस टाइप की ही थोड़ी बहुत ऐसे रील्स पोस्ट करनी शुरू करी, मेरे को उस पर भी कुछ ऐसे खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने ऐसी जो डोमिनोज वाली कॉल की हम बात कर रहे थे, मैंने ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग डालना शुरू करी, उस पर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। फिर ऐसे ही करते करते कॉल रिकॉर्डिंग से मैंने ऐसे ही फिर पहला अपना जो था एक ऐसे इंटरव्यू वाला वो डाला, फिर वहाँ से मैं यही चीज़ इंटरव्यू वगैरह करता गया। एंड हाउ ओल्ड इज दिस इंस्टाग्राम पेज ऑफ योर्स? ये मैंने बनाया था 2019 में, और जो ये इंटरव्यू वाली चीज़ थी वो मैंने पिछले साल अगस्त के आसपास ही शुरू की थी। अच्छा, तुम्हें ये ट्रैक हुआ कि किस बंदे की शेयर या किस इंस्टेंस में? आई नो दैट वीडियो तो वायरल हो गई, बट क्या वो डालते ही ऑर्गेनिकली हिट हुई या इट टुक सम टाइम एंड देन इट टुक ऑफ? नहीं, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जैसे अब काफी मीम पेजेस ने बड़ा हेल्प रहता है, क्योंकि वो जब शेयर करते हैं उनके पास ऑडियंस रहती है। कॉन्टैक्ट किया था? नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट किसी को नहीं किया, मैंने किसी को कहा नहीं कि भाई पूछ दो मुझे, अपने आप ही जो थोड़े क्रिएटर्स थे, अब वो क्रिएटर मेरे साथ हैं, जिनको मैं कभी करता था ना कि भाई ये मेरे को फॉलो बैक भी नहीं देंगे, अब वो मेरे साथ हैं मेरे लेवल पे, तो वो बहुत सही लगती चीज। उनका भी सपोर्ट रहा है किसी टाइम पे जब मैं नया नया आया था, उन्होंने भी काफी पुश करने में हेल्प करी, मतलब आगे शेयर करने में। बाकी यही चीज थी। तो नॉर्मी और डैंक का फर्क भी अपने ऑडियंस को ये समझा दे, नॉर्मी क्या होता है वो बता दो आप एक बार। नॉर्मी और डैंक, कमेंट्स में क्वेश्चन आया था कि नॉर्मी और डैंक में क्या फर्क होता है। नॉर्मी एज आप समझ सकते हो कि एक मेन स्ट्रीम तो काफी नॉर्मल चीज हो, मतलब मेन स्ट्रीम टाइप का कॉन्टेंट जो देखे, मतलब जिसे डैंक चीज समझना है वो नॉर्मी है, और डैंग जो थोड़ा ऑफेंसिव, मतलब इसे ना हम ऐसे समझ नहीं सकते, इसे थोड़ा फील किया जा सकता है। That's what she said. ये सिर्फ फील किया जा सकता है, लेकिन इसे फील कुछ नहीं होता था। So it's basically क्या फर्क है कि जैसे कुछ लोगों का जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया पे, वो बड़ा मेन स्ट्रीम है,
एंड जो लोग स्पेशली आई थिंक पीपल जो बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे डालते स्पेंड करते हैं और सिर्फ एक दो चैनल्स को नहीं देखते दैट कीप गोइंग आउट तो डार्क ह्यूमर आई थिंक बेटर डिफाइंड ये है कि समथिंग दैट इज़ फनी एंड रियल बट इट इज़ ऑल्सो अ डार्क रियलिटी ऑफ द सोसाइटी जैसे कि नहीं मैं वही बोलने वाला था बट देन आई डोंट वांट टू डैंक ह्यूमर के लिए आपको यंग और यूजली कमरे में बंद लोग ही डैंक ह्यूमर भी समझ पाते हैं बिकॉज जब आप घर से बाहर बहुत ज़्यादा निकल जाए एंड यू एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन मे बी देन डैंक ह्यूमर डाइज आउट बट एज अ यंगस्टर मैंने भी देखा कि जब तक मैं एक कमरे में था और टॉरेंट से कुछ वीडियोज़ डाउनलोड कर रहा हूँ और स्पेंडिंग टाइम ऑनलाइन रेडिट पे हूँ या नाइन गैग पे हूँ तो मुझे डैंक ह्यूमर पे हंसी ज़्यादा आती थी तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे बट नहीं आई थिंक बड़े होके भी समटाइम्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अपने साथ भी कोई हुआ हो बट उसमें से कुछ चीज़ हमें फ़नी लग जाए तो जैसे एक देयर इज़ अ स्टोरी व्हेन आई रिमेंबर कि अभी मैं जब भी जूते पॉलिश करता हूँ तो मुझे ये स्टोरी याद आती है कि एक दिन मैं अपने दिल्ली में ऑफिस के लिए जा रहा था तो आई हैड जस्ट बॉट वेरी न्यू ब्रांड न्यू पेयर ऑफ शूज़ तो मैं एकदम चमका के उनको ना कि एकदम तैयार होके निकला घर से और उतरते ही ना दिल्ली में लाजपत नगर में मेरा घर था तो आई स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग और मैंने कहा यार आज बूट साले गंदे नहीं होने दूंगा मेरे पास कार थी मैंने सोचा अभी कार में बैठूंगा सारा दिन ऑफिस में रहूंगा बूट नहीं गंदे होने दूंगा पर उस दिन हुआ क्या कि जैसे ही मैं अपनी कार की पार्किंग तक पहुंचा मेरी कार वहां खड़ी नहीं थी तो लेफ्ट राइट देखा आगे पीछे देखा पूरी कॉलोनी में घूम के देखा मेरे को मेरी कार नहीं मिली आधे पौने घंटे मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ कार चोरी हो गई है तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया पुलिस आई थाने गए फिर वापस आके ढूंढा किसी ने बोला भैया आपने गलती में कहीं और लगा दी होगी तो पूरे लाजपत नगर 2 को मैंने जाके चेक किया वहाँ मुझे नहीं मिली गाड़ी अगेन देन कॉप्स केम आई वेंट टू देम तो करते करते 4:30 हो गए तो धूप थी बड़ी गर्मी का दिन दिल्ली का टाइम है तो ऐसी बात करते करते ना मेरे को रियलाइज हुआ मैंने नीचे देखा तो मेरे बूट बिल्कुल गंदे मिट्टी की तरह वाइट हो चुके सो देन आई रियलाइज कि हाउ फनी इट इज दैट मैं आज जूते चमका के रखना चाह रहा था सही बात है एंड सो सम पीपल कैन फाइंड ह्यूमर इन मिजरी आल्सो तो इट वाज वेरी फनी टू मी कि बेटा आज ही तू सोच रहा था जूते चमका के रखूंगा तो मैं इसका बता दूंगा इसे ये अब डैंक ऑफेंसिव वाली चीज है एक बार हुआ क्या मैं सुबह कॉलेज में जाता हूँ ट्रेन में तो एक बार हुआ क्या ट्रेन ऐसे ही मेरे सहारनपुर से यमुनानगर जाता हूँ बीच में आता सरसावा तो सरसावा क्रॉस करते ना ट्रेन रुक गई 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए अब नीचे होगी भीड़ इकट्ठी क्योंकि ट्रेन के आगे कोई बंदा आ गया था मतलब वो कूदा या नीचे आ गया कुछ नहीं पता अब मैं नीचे उतरा एक अंकल जा रहे थे अंकल मेरे तक देख के पूछते कि ये हुआ क्या मतलब खुद आया आगे या किसी ने धक्का दिया मैं क्या अंकल वो तो उससे जाके पूछना पड़ेगा मैं थोड़ा सा हंसने लग गया अंकल मेरे को बहुत अजीब सा लुक दिया अच्छा ऐसा होता है ना कई बार कि बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही होती है घर में है ना और एकदम से किसी की हंसी निकल जाती है और सबकी निकल उसमें कि भाई तू तो गया अंकल मेरे को देख रहे थे कि क्या आदमी है नहीं ठीक है इसको पूछने का उसको जाके पूछ सकते हैं सही बात है हम ऐसे ही करते हैं वैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा ना भाई साहब क्या हुआ वो खुद अभी आया होता है आई थिंक दी जितनी वो ऑनेस्ट चीज होती है उतनी ज्यादा फनी हो जाती है तो त्रिलोचन अब हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि एक्चुअली जैसे सुदीप ने मेरे को बताया ब्रेक में कि जो लड़कियां उनको फनी लड़के पसंद होते हैं am I right yes है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास तो भर भर के गर्लफ्रेंड्स होंगी नहीं पहली बात मैं फनी नहीं हूँ वैसे अच्छा वो एक मिसकंसेप्शन है मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है इसे इंग्लिश वर्ड बोलने में मजा आता है जैसे कॉन्स्टिपेशन पॉडकास्ट तो हाँ मतलब पॉडकास्ट इज सच Such a nice name to an interview, na? Podcast. था मैं जब पहले देखता था ना पॉडकास्ट रणवीर लबादिया दोस्त कास्ट की मेरे को आज तक नहीं समझा उसने नाम क्यों रखा बियर बाइसेप्स चलो कोई बात नहीं वो बियर भी पीता और वर्कआउट भी करता है बाइसेप्स भी बनाता है सही और बियर भी पी के बाइसेप्स बन रहे उसके यहाँ फिर क्यों हमारा तो ये बन रहा है ना बियर भी पी के बियर नहीं पीनी चाहिए विस्की पियो तुम पीते हो नहीं ही इज अंडर 25 ना सुदीप नहीं देख लड़कियों को फेमस लड़के पसंद है लड़कियों को फनी लड़के पसंद है तेरे पास तो भर भर के होनी चाहिए लड़कियां हैं लेकिन बंदी नहीं है लड़कियां हैं मतलब बंदी नहीं है कोई पर्सनल गर्लफ्रेंड नहीं है पर्सनल गर्लफ्रेंड अपनी नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड नहीं है ओके ओके तो पहले अस भाई अस
पीछे वो तो नहीं लगाना है क्या जो एक वॉयलिन सा सैड सा वाला टेढ़ है ना सकते हैं पहले थी हाँ पहले थी शायद तो ब्रेकअप क्यों किया ये तो मतलब इस ये चीज तो मैं खुद आज तक सोचता हूँ कि तुमने किया या उसने किया उसने किया था शायद मैं तो गुड बॉय हूँ ना अच्छा कितनी देर पहले ब्रेकअप हुआ तुम्हारा हो गया मतलब ऐसे 3-4 महीने वेरी गुड फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ठीक ही हुआ किसके लिए इसके लिए उसके लिए इसके लिए अच्छा क्योंकि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है अच्छे के लिए होता है अब फेमस होगा है ना वो कौन सी मूवी है जिसमें वो आईएएस बन जाता है ब्रेकअप के बाद हाँ वो कौन बन जाता है आईएएस बन जाता है ना राजकुमार राव राजकुमार राव की मूवी है वो मूवी शादी के लिए मना करती है लड़की उसको फिल्म में नहीं देखता अच्छा अच्छा हमारे पास दो अलग अलग बंदे हैं ये हरियाणवी में बात करेंगे आप पंजाबी में करना ठीक है तो आइए और भाई क्या हाल है बढ़िया भाई तू ही दसो नहीं ठीक बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बोल रहे हो मतलब घर में तो पंजाबी बोलते होंगे वैसे हाँ इतनी नहीं लेकिन बोलते हैं नहीं ये तो बहुत बड़ा इनफैक्ट मिसकंसेप्शन है लोग क्या करते हैं सरदार देखते हैं तो ज़ूम कर लेते हैं कि इसको पंजाबी आती होगी और सिर्फ हाँ सिर्फ पंजाबी नहीं जैसे मैं किसी बात करता हूँ ना तो वो बंदे का ना पहला ही होता है एक सरदार है तो कहाँ से होगा पंजाब से मतलब ये तो कहीं और से हो ही नहीं सकता और अगर सरदार है हिंदी बोल रहा है कहाँ से होगा दिल्ली से ये एक है चीज इनोसेंट लोगों से पूछता है ना तो आई आस्क्ड हिम कि भाई ऐसा है कि कभी तूने जैसे वो मिल्फ वाली वीडियो में किसी को मिल्फ पता हो कि क्या है तो ये तो पकड़ा गया पीटेंगे पकड़ के पीटेंगे आई डोंट नो हाउ व्हाट हाउ पीपल विल रिएक्ट सो आस्किंग हिम हैज इट एवर गॉन वेरी बैड तो देयर वाज अ स्टोरी जो ये बता रहा था तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब इन चीज़ों में किसी ने ऑन द स्पॉट पकड़ा इसे पता हो लेकिन एक बार ऐसा सीन हुआ था मैं अमृतसर गया हुआ था एक क्रिएटर है सिंपलर रिशु आपको पता हो तो उनके हाथ में एक हम साथ मिलकर एक वीडियो बना रहे थे अमृतसर में गए थे कंपनी गार्डन में तो हम वहाँ पे कुछ 4-5 सरदार सीनियर सिटीजन अंकल बैठे हुए थे तो हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि जिस प्रकार से आने वाले सालों में इलेक्शन में खड़े नहीं हो पा रहे तो उनको इलेक्शन में खड़ा करने में मदद कौन कर पाएगा मियां खलीफा या डैनी डैनियल्स लोगों को समझ तो आ गया मतलब कह रहे भाई जो खड़ा करने वास्ते किसी की लोड़ नहीं खड़े ही खड़े ने बस लेकिन चीज क्या हुई एक अंकल आए क्या कितों आए तुसी कि ये न्यूज चैनल पे काम करते हैं इंटर्न्स है आई कार्ड दिखाओ क्या आई कार्ड तो है नहीं इंटर्न्स है जे मतलब स्टूडेंट्स है वो मानने ही नहीं उनका बड़ी मतलब बड़ी मुश्किल छोड़ा उन्होंने मतलब वो पकड़ लिया था दिखाओ दिखाओ उनको आइडिया होगा कि मजे ले रहा ज्यादा कि मतलब कहीं और और अंकल या फिर अंकल को मियां खलीफा और डेनी डैनियल्स का काफी एज थे ले लो अंकल थे इसके बाकी पता नहीं अंकल लेकिन आज सब देखते हैं आजकल चोरे में सब चोरी में जा रहे हैं अब तो इंडिया में बैन हो गया ना क्या पॉन नहीं मैंने तो बहुत टाइम से नहीं देखा अच्छा जब से बैन हुआ क्या यही पवन स्टार पवन स्टार पकड़ा गया तो फिर उसके बाद बस निकल गए थे वहां से फटाफट तो वीडियो नहीं बनी नहीं वीडियो बन गई थी तभी मतलब वीडियो बनाने के बाद उन्होंने पूछा मेरे को मतलब ऑन द स्पॉट नहीं होता लेकिन बाद में कभी कभार एक मैं बताता हूँ सीन मैंने ना एक वीडियो बनाई थी क्या टॉपिक था 9/8/11 के ऊपर अरे वो दैट वाज वेरी फनी हम ऐसा कर रहे थे कि का एक नई पॉलिसी ला रही है 9/8/11 जिसको जीतने के बाद आपको मिलेगी एक फ्री रशियन और मेहंदी वाले हाथों से तो उसमें क्या हुआ तो सीन ये हुआ मतलब वो मेरी थी वीडियो मतलब उसमें ना बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा था हुआ क्या मैंने भी लाइक किया तेरे हाँ 6 बजे मैंने वीडियो डाली 9 बजे तक मुझे कॉल आ गया अच्छा वो बंदा पहले मेरे को गाली देके बोला कि क्या है तूने ऐसे बना दी वीडियो ये है वो है और वो नंबर आया था मेरे पापा के फोन पे अच्छा मतलब पापा के फोन पे मतलब क्योंकि ना जो पापा वाला नंबर था वो मैं किसी टाइम पे 9th या 10th में यूज करता था अच्छा तो इतना मेरे को पता लगा किसी पुराने दोस्त से निकलवाया नंबर जिसने भी निकलवाया
और उसके पास मेरा अभी का पर्सनल नंबर नहीं था, तो मैंने कहा ले मेरा पर्सनल नंबर ले, मेरे को इस पर कॉल कर। पहले तो वो गाली ग्लोज देके बात कर रहा था कि तूने ये कैसे कर दिया, वो क्या है, उसने कुछ नहीं बताया कि बस वो वीडियो को सीधा कहा कि भाई ये तूने क्यों बनाया ऐसे, तू मजाक बना रहा है। फिर मैंने उठाया, फिर वो आराम से बात करी, उनने कहता कि जो तूने वीडियो बनाई है ना, जो दूसरे वाले हैं अंकल, वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, उस वीडियो में। मैंने कहा भाई तू मेरे को आराम से बोलता, मैं अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है उसमें तो मैं आराम से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जैसी वीडियोस मैं बनाता हूँ कल को कोई मेरे माँ बाप के हाथ बनाए मैं भी इसे पकड़ूंगा ही। तो वो मैंने वीडियो फिर डिलीट कर दी थी, मतलब मैंने अब मैं पार्ट तो वो हटा नहीं सकता ना इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हो जाता है कि जो हमें पार्ट नहीं चाहिए उसे हम ट्रिम करके निकाल सकते हैं। तो वो मैंने वीडियो, मतलब उस पर ना रिस्पॉन्स बहुत सही आ रहा था, तो फिर मैंने उसे डिलीट करना पड़ा। अगले दिन मैंने उसका वो पार्ट हटा के दोबारा से वीडियो अपलोड करी थी, ये सुना था। लेकिन वो फिर वो रीच नहीं पड़ती ना उसकी, एक बार डल हाँ, वो वैसी नहीं आई, नहीं ठीक है, होती नहीं, वो जो पहले हो गया उसके बाद दोबारा जो मर्जी ट्राई कर, उसके बाद एक और सीन हुआ था। अब ये वीडियो आई LGBT 9 नवंबर के ऊपर, तो हमने अब सोचा था कि दिसंबर के महीने में हम एक वीडियो, हमने बनाई थी कि एक वीडियो बनाएंगे, जितने भी क्रिएटर्स हैं बाकी, हमने एक पापा का परा के नाम से है, सूरज है, मतलब हम, मतलब जितने भी हैं साथ में हैं हम, तो हमने सब मिलकर सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सर्टिफिकेट्स देंगे लोगों को 9 नवंबर के। अच्छा। जिन्होंने सक्सेसफुली 9 नवंबर को फॉलो करा है उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हमने मतलब लोगों को ही बोला था जो हमें फॉलो करते हैं कि तुम ऐसे जाओ और लोगों से वो सर्टिफिकेट निकलो, हमने सर्टिफिकेट दिए उन्हें और लोगों के साथ फोटो खींचो, वीडियो बनाओ और हमें भेजो, हम मतलब मजे ही वीडियो बना के डालेंगे। तो उसका सीन ये हुआ, पापा का परा, तो मतलब पापा के परा के साथ मेन सीन हुआ था ये। हमने पता क्या बनाया था सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में थी जॉनी सिंस की फोटो। अब जॉनी सिंस की फोटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉनी सिंस के सिर पे थी वो टोपी जो मुस्लिम्स पहनते हैं। अच्छा। और तिलक लगा हुआ था, वो चीज दिक्कत करी। उसी के सर्टिफिकेट में थी या सबके सर्टिफिकेट? वो सबके सर्टिफिकेट में थी, लेकिन सीन ये हुआ, अब हम जितने भी क्रिएटर्स थे, अब पापा का परा का जो एक फॉलोअर्स था, वो आइडिया किसका था वैसे? वो आइडिया एक था सूरज और हम, मेरा, हम दोनों का आइडिया था वो मिलके कि ऐसा हम बनाते हैं मिलके देंगे। उसकी एक फोटो ऐसे करके खड़ा हुआ, हाँ, वो ऐसे करके हमने करा था, तिलक लगे, टोपी पहनी और उसने ऐसे किया हुआ है। तो पापा का परा का एक फॉलोअर था, मतलब हमने सोचा सबको अपने सब फॉलोअर्स को बोलेंगे ऐसे करना है। तो पापा का परा के एक फॉलोअर को किसी ने पकड़ लिया, कोई ऐसे मतलब दो टाइप बोल सकते ना, बीप कर देंगे, कर देंगे वो तो बोल सकते हैं, एक मतलब कोई ज्यादा रिलीजियस टाइप, तो उसने पकड़ लिया कि ये क्या चीज़ है, तुमने तिलक लगा रखा है। तो उसको मतलब धमकी वगैरह दी, तो उस बंदे ने सीधा पापा का परा का नाम ले दिया। अच्छा। कि भाई ये है, तो अब वो बंदा उसको धमकी देने लग गया। तो फिर हमने उस वीडियो का प्लान कैंसिल कर दिया कि अगर हम उसे आगे इन फ्यूचर डालते तो कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ना लोग इंटरनेट पे जोक को जोक की तरह नहीं लेते, वो हर चीज को पर्सनल लेने लग गया। अरे इमेजिन करो, इमेजिन करो एक पी का कोई या कोई और ऐसे स्ट्रांग नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर तुम्हें पकड़ के बैठा है, ठीक है, बताओ क्यों क्यों बनाई तूने, और वो आगे से बोलता है सर पापा का परा ने मुझे पापा का परा को चल दे, पापा का कल्चरल शॉक लगा उसको कि पापा का परा शॉर्ट आउट टू पापा का परा, उसकी शक्ल इमेजिन करा जब तू बोला ना पापा का परा, मैं उसकी इमेजिनेशन कर रहा था कि उसकी शक्ल कैसी होगी, सॉरी अगर पापा का परा बुरा लगा। ये चीज थी। तो पापा के परे के बाल हैं बड़े बड़े? नहीं, छोटे ही हैं बाल। और क्या करने की सोची अभी, ये सब तो चल ही रहा है इसके साथ साथ, और पहले तो सोच रहा हूँ किसी तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ अगर हो जाए तो, बाकी मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे शुरू करूँ थोड़ा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बनाने, क्योंकि मैंने शुरू ना लॉन्ग फॉर्म से ही करा था, ऐसे 4 या 5 मिनट की वीडियो, फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं करता था 4-5 टॉपिक्स इकट्ठे, उनका एक वीडियो बना दिया। अब मैंने करा है कि भाई एक एक टॉपिक करके ऐसे ये चीज़। अभी वैसे जनरली तो कंटेंट 30 सेकंड से भी शॉर्ट की तरफ ही जा रहा है, कीपिंग इट वेरी क्विक, लेकिन एक वो चीज़ है ना कि अगर तुम लॉन्ग चीज़ लेके आते हो, अब लोगों को आदत पड़ गई है मतलब 15-30 सेकंड का देखने की, तो उसमें है थोड़ा वो चीज़, उसमें टाइम स्पेंड कम हो गया ना, अटेंशन टाइम स्पेंड हर चीज में कम हो गया। तो एज व्हाइल ग्रोइंग अप व्हाट वर योर इंस्पिरेशंस, मतलब क्या तेरे को इंस्पायर करता था? इंस्पिरेशन ऐसे तो नहीं, मतलब इंस्पायर ना मैं खुद से, कि जैसे मैंने अब कल मैं जिस तरह से कर रहा था, मेरे को बस ये रहता है कि आगे से उसको इम्प्रूव करना है, कि आप खुद ही देखोगे अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी देखोगे ना, मैंने बहुत इंप्रूव करा है। अब तो माइक के साथ फोन भी लेके जाता है। हां नहीं, मैं माइक तो वो तो सिर्फ दिखाने के, आई नो ऑडियो ऑडियो तो इज फ्रॉम ऑडियो, बट इट मेक्स इट वेरी लेजिटिमेट। एक आई कार्ड पहना है, एक माइक पहना है,
इनफैक्ट मेरे को भी यही था कि ये मास कॉम का स्टूडेंट हो सकता है, मेरे को भी लगा हम यही था कि ये मास कॉम का स्टूडेंट होगा। मैंने वही सोचा कि एक आई कार्ड पहन के जाते हैं, लोगों को लगे कि एक आई कार्ड पहन लिया, घर में ऐसे माइक पड़े हुए थे वो बस दिखाने के लिए ले लिया, एक फोन अलग से नीचे पकड़ा हुआ है, बंदो लग रहे हैं, हाँ भाई आवाज आ रही है, शराबियों से बात करने में बड़ा मजा आता है। कभी ट्राई की है? बहुत, अरे मैं बहुत शराबियों से वीडियो बनाई, खुद पिए नहीं, ही इज 125 ना, नहीं तो 125 लोग नहीं पीते इंडिया में। अच्छा, सिर्फ चाय पीता हूं मैं, शराब तो। ये तो 25 हुई कब से है वैसे? आई थिंक 21 है मेरे, 21 है 25, हम तो यार सेफ साइड हो गए, 25 साल तक नहीं पीते, 25 पीनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आप लोग तो नहीं पीते? नहीं, हम मैं हमें क्या हवा वर्ड नहीं आता उसका, क्या स्पेलिंग क्या उसकी, सही तो बहुत सही है, नहीं हमें नहीं पता, बहुत सही चीज है, हम सिर्फ चाय पे हैं, पानी पीते हैं, हम कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं अवेलेबल इन चंडीगढ़ में, ठेकों में मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। हाँ, कुछ नहीं मिलती है। सो अभी आजकल किसका कंटेंट देख रहा है तू, किसको फॉलो करता है ज़्यादा? इंस्टाग्राम पे ना सबसे ज़्यादा क्रिंजिस्तान है एक बंदा, मैं उसका कंटेंट देखता हूँ, मेरे को एक्चुअल फनी लगता है, क्योंकि अब पता है क्या है, अब ज़्यादातर ना सब चीज़ मतलब सारे क्रिएटर्स ना एक सेम चीज़ ही कर रहे हैं, वो बंदा ना थोड़ा डिफरेंट करता है, उसका क्या है वो उसमें गट्स बहुत है, लोग लगते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी मतलब ऐसे कोचिंग सेंटर होगा घुस जाएगा, बस कुछ भी बोल देगा, किसी भी दुकान में घुस जाएगा कुछ भी बोल देगा, बंदा बहुत सही। शादी के मंडप पे चला गया वो ऐसे। हाँ, वो एक शादी में घुस गया, मतलब वहाँ वीडियो बना रहा है कि मैं फ्री वीडियोग्राफर हूँ, शादी में वीडियो बना रहा हूँ, अंकल पूछते हैं कौन की शादी है, कौन की शादी, सोने पड़ गया दीदी की शादी है। And he actually bought it. इसलिए अच्छा अच्छा। वो बंदा करैक्टर बहुत अच्छा प्ले करता है। कहता मेरी दीदी की शादी है, तो he actually bought it. दीदी की शादी। अच्छा दीदी, तभी उसने, क्योंकि अगर कुछ और बोल देता ना वो, फिर उसका काम हो जाता वहाँ पे। तो स्टॉक करते हो तुम किसी को? मतलब कैसे? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे। स्टॉक करना लड़कियों को? हाँ हाँ, लड़कियों को भी, मतलब वो हम, वो किसी को भी करता है, जिसको भी तू करता है स्टॉक, वो तेरी मर्जी है, तू किसी को भी कर। नहीं ऐसे तो नहीं करता। इज देयर अ सेलिब्रिटी दैट यू रियली हैव अ क्रश ऑन? और सेलिब्रिटी कोई सोनम बाजवा? अच्छा, पे नहीं है, तानिया पे है। तानिया पे है? Who's that? वो उसके साथ वाली है? नहीं वो, अरे वो तो किस्मत वाली, किस्मत वाली, हाँ किस्मत वाली, मेरी किस्मत में काम, एमी विर्क के साथ आई थी उसकी मूवी, फिर दूसरी भी सपना भी, अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड, वही है ना, तानिया। तानिया और कोई? हाँ मेन तो अभी तानिया पे फोकस है। क्यों? सुंदर है। ठीक है, ठीक है। तो कितना फॉलो करते हो उसे? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मेरा भी एक दोस्त है कॉलेज में, पीयूष, तो वो उससे मिल के आया, मेरी जली थी थोड़ी। वो कैसे मिलने गया था? उसने सीन क्या करा, वो है तो मेरे कॉलेज का, तो आई थी यहीं पे चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी है ना। अच्छा, पीयू पंजाब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, एक LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ पीयू में आई थी, यहाँ चितकारा में, आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड है, उन्होंने बोल दिया। देखे, ब्रो। आ रही है धीरे धीरे इंग्लिश। तो उसने क्या करा, वो किसी का ऐसे ही नकली आई कार्ड बना के चला गया अंदर। अच्छा। और वो बंदा उसे प्रपोज करके आया वहाँ पे ऑन स्टेज देखे। हाँ अच्छा, एंड उसको चढ़ने दिया स्टेज पे, चढ़ने दिया, लेकिन वो पटी नहीं होगी ना? नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया था रोज, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पटी तो नहीं ना? नहीं पटी तो नहीं, वो तेरे से ही पटेगी, मैं बता रहा हूँ, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बस नहीं छोड़ेंगे कभी, है ना। तो तूने कभी कमेंट किया उसको, मैसेज किया तान्या? तान्या को मैं अपने फॉलोअर्स से करवाता हूँ कि ऐसे लिख दो त्रिलोचन से शादी कर लो, तो वो स्पैम कर देते हैं। तो नाइस, फिर भी उसने कभी रिस्पांस नहीं दिया। देखो अच्छा, तो मेरे को मूवी करनी है तान्या के साथ, वैसे जो मेरा सपना। अच्छा, तेरा आगे प्लान यही है कि मेरा? नहीं सही में मेरा है थोड़ा इसे फिल्म मेकिंग में जाने का। अच्छा, मेरा शुरुआत से ना थोड़ा इंटरेस्ट ही, मतलब इंटरनेट पर मैं आया ही फिल्म मेकिंग के चक्कर में था। जब मैंने शुरू किया, मैंने यूट्यूब पर शुरू किया था कि मेरे को ना ऐसे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनानी है। 2017 और 18 में ना मैं और मेरा कज़न, हम ना बहुत ज़्यादा वो देखते थे अवेंजर्स वगैरह की मूवी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन वगैरह जो भी थे, तो हमको ना ये था कि यार ये बनते कैसे हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते थे, हर्ष बेनीवाल, कि यार ये बनाते कैसे हैं, हम भी बना ही सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे हुए, हमारे भी दिमाग में खुराफात उठी कि हम बनाते हैं कुछ, हमें ये नहीं पता बनाना क्या है, कैसे बनाना है। तो हमने एक टॉपिक सोचा, बस यूट्यूब पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक टॉपिक मिला भाई भाई का प्यार, हमने कहा हम यही बनाएंगे। कोई स्क्रिप्ट वगैरह कैसे लिखते हैं कुछ नहीं पता, बस हमने क्या करा, ऐसे ही उसी टॉपिक पे भाई भाई का प्यार हमने सर्च करा, चार पांच यूट्यूबर्स के से वीडियो आ गई, सब में से एक एक सीन उठा लिया और उसी में से हमने एक वीडियो बना दी। तो वीडियो बनाई, डाली यूट्यूब पे, तो उसको शेयर करके मेरे 200 व्यू आ गए। मेरे को लगा यार सही है, कुछ कर सकते हैं इस पे।
तो ऐसे ही मैंने हर महीने, ऐसे मैं 3-4 महीने मैंने हर महीने की वीडियो डाली खुद ही, कुछ ना कुछ सोच के, कहीं ना कहीं से उठा के, मतलब अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं करा, मेरे को पता नहीं था स्क्रिप्टिंग होती कैसे है, फिल्म मेकिंग वगैरह क्या, एंगल्स, कैमरा एंगल्स, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कुछ नहीं, बस काइन मास्टर उठाया, एडिट करा, बस डाल दिया। तो ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए, अब ऐसे ही 9th निकल गई, मैं 10th में आ गया। मेरे को लगा यार कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं इसमें, मेरा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट बनता है कि यार ये फिल्म्स कैसे बनती हैं इन वगैरह में। तो मैंने ना खुद कुछ से आइडिया ला के कुछ कुछ लिखना शुरू करा। मेरा पहला जो खुद के आइडिया पे वीडियो थी वो तब कोरोना वायरस आया ही था, तब 10th ख़त्म हुई थी, तब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। वो अभी किसी यूट्यूबर ने बनाई नहीं थी, बड़े से बड़े यूट्यूबर ने भी अभी नहीं बनाई थी। मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वो मैंने एक वीडियो बनाई उस पर, मतलब लोगों का क्या रिएक्शन है ऐसा करके, एक वाइन टाइप शॉर्ट फिल्म सी बनाई, तो उसमें मेरे को ना काफ़ी सही रिस्पॉन्स मिला। तो फिर मैंने उधर भी थोड़ा सा कंटिन्यू करना शुरू करा, लेकिन वहाँ भी ना मेरे को इतना मतलब नहीं मिल पाया रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें ना यूट्यूब पे अगर बनाना है, कुछ करना है, तो एक प्रॉपर टीम चाहिए, अकेले हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मेरा इतना सही नहीं हो पाया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरा अब ये है मेन, अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, थोड़ा फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूस करना, एक्टिंग वगैरह करना, क्योंकि मैं, मेरे को लगता है खुद से कि मैं थोड़ा कैरेक्टर प्ले सही कर लेता हूँ, तो है इंटरेस्ट मेरा फिल्म मेकिंग वगैरह आगे जाने में कि करूँ कुछ। गाने, गाने, गाना मेरे बस का नहीं है, उसे सुनता हूँ बस मैं, प्रोफेसी और नुसरत फतेह अली खान, बस दो ही आर्टिस्ट ना, मतलब मेन इन टाइप्स के, अमरिंदर गिल वगैरह, मेन पंजाबी गाने जी। मतलब अगर, मतलब कि दो करेक्टर्स हैं तेरे अंदर, मतलब कि हाँ कह सकते हैं, एक साइड तू नुसरत सुन रहा है, अमरिंदर गिल सुन रहा है, दूसरी साइड तू कुछ और बातें कर रहा है। हाँ वो अंदर वाली फीलिंग तो, हाँ मतलब कि दो अलग अलग दोनों। आपका कोई, तेरी फैमिली देखती है तेरी वीडियोस? हाँ मैं कुछ कुछ दिखा देता हूँ, दिखाने लायक। कौन कौन सी दिखाई है? जैसे वशीकरण के ऊपर बनाई थी मैंने, जो जिसमें मतलब कॉल रिकॉर्डिंग्स वाली मोस्टली दिखा देता हूँ, कुछ कुछ मतलब दिखा देता हूँ कुछ कुछ। तो डू दे एंजॉय इट और दे लाइक क्या कर रहे? हाँ मतलब सही है, उन्हें हंसते हैं? हाँ हंसते हैं। Nice. मतलब उन्हें सही लगता है कि कुछ कर रहा है, उन्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मतलब जब से यूट्यूब कर रहा था तब से वो करते हैं सपोर्ट। मैं तो यूट्यूब की हर वीडियो दिखाता, कि यूट्यूब की वीडियो तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसे क्लीन करके, वो चीज़ थी क्लीन, मतलब मतलब हाँ सर्फ एक्सेल से क्लीन करके, मतलब ऐसे बिल्कुल रिलेटेबल कॉमेडी, बिल्कुल वैसा मेन स्ट्रीम बिल्कुल करके। घर पे और कौन कौन है? घर पे मेरी छोटी बहन है, पिताजी और माताजी, बस छोटा सा परिवार। छोटा सा परिवार, ओके। तो पापा वैसे कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखते हैं? पापा आजकल यूट्यूब पे बहुत देखते हैं ना लोग? नहीं पापा का तो ये सीन है, पापा बस मूवीज़ वगैरह इंटरेस्टेड, मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, और यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर जो वीडियोज़ आती रहती हैं वो चीज़ देखते हैं, मतलब मेन ऐसा कुछ नहीं। मतलब पापा तो हैं सपोर्टिव हैं, मतलब घर वाले हैं। और अभी तो कहते हैं तेरी वाली रिपोर्टर वाली, जी हाँ दोस्तों वाली नहीं देखी कोई? नहीं। राम हलवाई वाली भी नहीं देखी क्या? राम हलवाई वाली। अच्छा इसने, इसने मुझे एक और अच्छा इंसिडेंट बताया। हाँ। कि इसकी वीडियो इसके कॉलेज में हाँ। किसी को मिली। हाँ। और वो रूट हुई ऑस्ट्रेलिया से इसके पास दोबारा? नहीं नहीं, जैसे आप मेरे दोस्त हो तो मेरी वीडियो, मलिक त्रिलोचन की वीडियो आपके पास ऑस्ट्रेलिया से आई। अच्छा। आपको नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ वो ये? अच्छा ओके, सो हिज क्लासमेट गॉट दिस वीडियो थ्रू? क्लासमेट नहीं, तो वो ये क्या सीन था, हमारा लेक्चर चल रहा था। अच्छा। हमारे एप्टीट्यूड के टीचर तो वो आए मेरे पास कि त्रिलोचन, मैंने कहा हाँ जी, क्या तो बहुत फेमस हो रहा है आजकल? मैंने कहा अच्छा सर, क्या मेरी बहन रहती है ऑस्ट्रेलिया, क्या उसने मेरे को तेरी वीडियो भेजी कि ये ड्रेस तुम्हारे कॉलेज के, तुम्हारे कॉलेज का लड़का है? मैंने कहा हाँ। तो कौन सी वीडियो थी वो? वो वशीकरण वाली। अच्छा बट वो अभी नहीं ऑनलाइन? नहीं वो है कहीं, वो भी बच्चे ग्राम ट्राई तो नहीं कर रहे थे इंस्टाग्राम पे है। अच्छा। कहीं ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली ये जो बाहर रहते हैं ना इनको बहुत शौक होता है ये चीजें करने का। वशीकरण नहीं, वशीकरण ये ग्रह वगैरह एस्ट्रोलॉजी तो एनआरआईज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा दे फॉलो ऑल दिस, तभी मोर देन व्हाट वी डू। हां वैसे तूने कभी सोचा नहीं जो तेरी ब्रेकअप हुआ उसको वशीकरण कराएं? मैंने सोचा था, वो 2100 रुपए मांग रही थी। अच्छा ओ यस यस आई हैव सीन दैट वीडियो, दैट्स अ क्रेजी फकिंग वीडियो यार, दैट्स अ क्रेजी वीडियो। पैसे मांग रही थी तो मैंने कहा रहने देते हैं। तो उसने उसने तूने दोबारा फोन किया उसको कि आपकी बात बहुत अच्छी है? नहीं मेरी फट गई थी दोबारा। नहीं कभी इन लोग का कॉल बैक आया जिनको तू प्रैंक कर रहा है, इनका कॉल बैक आया कभी देखो? नहीं वैसे तो नहीं आया, एक सीन हुआ था मैं बताता हूँ। तो मेरे को ना अगर जैसे मैं ना पहले मेरे को बहुत ज्यादा वो आते थे, अब भी आते हैं रॉन्ग नंबर से कॉल, क्योंकि जो मेरा अब सिम है वो पहले किसी और का होगा, तो मतलब
लोगों के पास उसी का नंबर ऐड होगा अभी. तो मेरे को ना ऐसे रैंडम किसी बंदे के कॉल आते हैं रॉबिन नाम से कि रॉबिन बात कर रहा है. तो मैं वेला ही होता हूँ जब कॉल आते हैं, मैं बातें करनी शुरू, हाँ जी रॉबिन बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें ये वो. तो एक दिन ऐसे ही हुआ, अब मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है रॉबिन के ऊपर, मेरे को रॉबिन नाम से कॉल आते हैं और मैंने पोस्ट करी हैं. तो एक दिन ऐसे ही मेरे को उसी रॉबिन का कॉल आ गया. वो कहते हैं भैया आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं मेरे नाम से. मैं क्या, हाँ जी आते हैं क्या, मैं वही रॉबिन बात कर रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है. कहीं बहुत आप गलत कर रहे हो. मैंने कहा अच्छा सॉरी, कि यहाँ तो आप ये नंबर, मतलब आप ये नंबर मेरे को दे दो बंद करके, यहाँ तो देख लो ऐसे ऐसे मत करोगे. मैंने चलो सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है बात ख़त्म हो गई. अब दोबारा से कॉल आने शुरू हुए, मैं माना नहीं, मैं फिर करता गया. तो तू क्या करता था उनके साथ? बस ऐसे ही मस्ती, कुछ भी इधर उधर की बात है. अच्छा. किसी का फोन आया, हाँ जी रॉबिन बोल रहा हूँ, हाँ बताओ क्या हाल है. हाँ मैं भी इधर उधर की बात है, नाश्ते में क्या बना है. अच्छा. आ रहे हैं बना के रखो, ठीक है दाल बनाइए जल्दी आ जाए, चौका मार रहे हैं. अच्छा था वो बंदा. तो अब 4-5 महीने बीत गए, मैंने फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा. अब उसको दोबारा से फ़ोन आया कि भैया हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये मत करो, यहाँ तो नंबर हमें दे दो, यहाँ तो हम कर रहे तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट. कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो बस नंबर बंद करो या तो हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं. फिर उसे बड़ा प्यार से समझा समझो कि मैंने कहा कि आगे से नहीं होऊंगा, तो अब नहीं करता वो, मैं थोड़ा डर भी लगता है. नहीं नहीं नहीं, इतने पंगे भी नहीं लेने चाहिए, इतने पंगे भी नहीं लेने चाहिए. तेरे ट्रू कॉलर पे रॉबिन रॉबिन तो नहीं आता है? नहीं, ट्रू कॉलर पे संजय सर आता है. अच्छा, क्योंकि कल परसों मुझे रात को 12:30-9:10 बजे डिड यू कॉल मी? नहीं, इतनी रात को क्यों करूंगा. 9:30-10 बजे ना कल कोई रॉबिन रॉबिन ट्रू कॉलर से आया था. अब तूने बोला तो मैं आई टुक नोटिस, नहीं तो मैं कहां देखता हूं. What about your friends? तेरे friends भी इसी लाइन में, मतलब तेरे friends भी creators हैं? Well, I know you know a lot of creators, but तेरे अपने friends creators हैं या नहीं है? जो मतलब real life में दोस्त हैं उनमें से नहीं है creator. लेकिन बस है मेरा एक तो चीज़ है, दोस्तों का बहुत ज़्यादा support है मेरे. कि जैसे अगर मैं बनाता हूँ videos तो वो ready रहते हैं साथ चलने के लिए. अब मेरा दोस्त है वीर, वो मेरी सारी वीडियो वहीं शूट करता है. अभी एक दो किसी की वीडियो में तूने दिखाया भी है उसका. हाँ अभी जब हमने 20K का मैंने करा था कि भाई अगर मेरे को 1000 स्टोरी रिप्लाइज आ जाते तो हम ऐसे किसी भी रैंडम लोगों के साथ जाके 20K का केक कट करेंगे. अब हाँ उसका एक सीन हुआ कि मैंने कर डाली स्टोरी कि अगर मेरे 1000 स्टोरी रिप्लाइज हो जाते हैं तो मैं 20K का केक कट करूँगा. अब एक बंदा बोलता कि तो 20K का मतलब 20,000 का केक कट करने वाला था, क्या कर रहा है वो बंदा, ये सोच के बैठा हुआ था. क्या देख, तेरे को तो वैसे भी नहीं मिलना है. मैं 100K का करूँगा, 20K का करूँगा, 20,000 का केक. तो वो चीज़ है. तो दोस्त रहते हैं तैयार, जैसे अपनी गाड़ी वगैरह भी दे देते हैं. तो कैमरामैन सुर भी, कैमरामैन तेरा कौन है? कैमरामैन कैमरामैन दोस्त वीर, वीर ही है. शॉट आउट देने के, वीर शॉट आउट टू वीर. और किसको देने? गाड़ी कौन देता है? गाड़ी वो जो तानिया वाला लड़का था वो दे देता. गाड़ी तो किसी की, वो पीयूष जो मिल गया, जो मिल गया, जो प्रपोज से ले जाता हूं. गाड़ी कोई भी दे देता है, छोड़ दे तू दोस्ती उससे, मैं बता रहा तेरे को. नहीं उसने बेरा नहीं है कि हां तन्ने बेरा कौन है? हां ये हरियाणवी मैंने कॉलेज में जाके सीखी. पता नहीं उसको कि तू पसंद करता है उसको. अरे उसे क्या कह सकते हैं. अच्छा तू गाड़ी देता है, और कौन कौन है टीम में? और कोई शॉट आउट देना तूने अपने किसी दोस्त? टीम मेन नहीं है, मेन अब मेरे साथ वीर ही है जो कि मेरी सारी वीडियो शूट करता है. बस मेन वही है अभी तो. और एडिटिंग कौन करता है? एडिटिंग मैं खुद करता हूँ. ओके नाइस. किस पे? लैपटॉप पे, पीसी पे, या मैं जिसमें मेरे मतलब फोन में कर लेता हूँ, फोन में कर लेता हूँ या फिर लैपटॉप में फिल्म हो रहा उसमें जाते. सही तो मतलब खुद ही अभी अभी खुद ही है. अभी खुद ही है. नहीं ठीक है, खुद पता होना चाहिए चीज़ें कैसे होती हैं, तभी कल को सक्सेस स्टोरीज होती हैं हमारे पास कि ऐसे ऐसे स्ट्रगल किया हमने. तो कभी कभी निराश होते हो जिंदगी में? कभी निराशा आती है. किस टाइप की? मतलब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो उससे आती हैं. अभी तक कोई? अब किस टाइप की? कोई भी, मतलब कि कोई भी हो सकती है कि जो सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है या टाइम लग रहा है या. हाँ टाइम लगता है. लाइक मेरा ना अब मेरी मेंटेलिटी बन चुकी है कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं मिल रही ना, या मैं किसी से परेशान हूँ, तो वो चीज़ ठीक होगी. कि मेरे को एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता लग गई है कि चीज़ों को ठीक होने में ना टाइम लगता है, लेकिन हो जाती हैं. बस हमें लाइक अब ना तीन बंदे होते हैं, तीन टाइप के बंदे होते हैं. एक जिन्हें भगवान पे भरोसा होता है कि भगवान है. दूसरे होते हैं जिन्हें है ही नहीं कि भगवान है ही नहीं. तीसरे होते हैं कि यार भगवान है शायद, शायद है. बस उनका ट्रस्ट है, उन्हें ये नहीं कि मतलब भगवान है या नहीं है, बस ट्रस्ट है, एक होप है. मैं उनमें से हूँ कि एक होप है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं कभी ना कभी हो जाएंगी वो चीज़. तो अभी तक की सक्सेस जो है तुम्हारी जितनी भी है, आई एम श्योर देयर विल बी मोर,
इसको तू किस चीज़ पे एट्रीब्यूट, मतलब अगर तू बोले कि कैसी कौन सी 3 या 5 चीज़ें हैं जिसको तू एट्रीब्यूट करता है कि तू अभी तक यहाँ पहुँचा है, जिन चीज़ों की वजह से? हाँ, जिन चीज़ों की वजह से, तेरी स्किल्स या तेरा इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन जिनकी वजह से तू आज यहाँ तक आया। एक तो इन्वायरमेंट है, हाँ वो ही मैटर करता है, बाकी खुद की स्किल्स में ऐसे कहूँगा, खुद की स्किल्स से मेरी यूट्यूब जब से मैंने करना शुरू करा ना, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली, ऐसे मैं एक्ट करने की, कैरेक्टर प्ले करने की, मेरे को सब वहीं से हुआ एक्सपीरियंस जो मिला। अब बाकी जैसे मैं, होता है ना कि एक वो चीज़ होती है, हम औरों को देखते हैं कि यार ये बंदा ग्रो कर रहा है क्योंकि कुछ कर रहा है, तो हमें भी यार करते रहना है कि हो जाएगा कभी ना कभी, तो वही चीज़ रहती है दिमाग में। तो मोटिवेशन आता कहाँ से है? मोटिवेशन में, मोटिवेशन तो खैर आता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, खुद से ही लेता हूँ बस, ऐसे बस कर रहा है। हाँ बस कर तू रहा है, कर रहा है, हो जाएगा। और करने में मतलब जैसे तुझे, बिकॉज आई एम श्योर जब भी तू कुछ करता होगा तो तेरे को अपने प्लान में ही कितनी खामियां दिखती होंगी ना, कि यार ये कैमरा मेरे पास नहीं है या ये इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। इज देयर अ टाइम जब तू सोचता है कि यार अभी नहीं करता हूँ, ऐसा हो जाएगा तो करूँगा, ऐसा कभी फील होता है तेरे को? हाँ कभी कभार होते से, एक भाई कैमरा क्वालिटी होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास है कि भाई अब मैं शूट कर सकता हूँ, मेरे पास अब फ़ोन सही नहीं है, अब कोई चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ करती हैं कभी कभी की, हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो होंगी। तो अभी जब ऐसा फील होता है तो तू क्या करता है? नहीं मैं ऐसे इतना नहीं सोचता कि यार ठीक है जो जस्ट एंजॉयिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि मेन अब यार वो चीज़ें भी इतनी मैटर नहीं करती ना, अब तुम क्वालिटी दो, अब वो चीज़ भी कभी ना कभी ठीक हो जाएंगी, क्वालिटी में धीरे धीरे कर रहा हूँ ट्राई इम्प्रूव करने की, तो वो हो जाएंगे धीरे धीरे, उनका मैं इतना नहीं सोचता। सही बात है, फनी भी देखना, क्वालिटी भी चाहिए, बताओ ऑडियंस का कितना कितना नहीं सोचता उस चीज़ का। जैसे अभी इसी से मेरे को याद आया, जो ये बोल रहा है कि भुवन बाम, पहले वो मोबाइल से खुद शूट करता था, अलग अलग करेक्टर बनाता था ना, तो बहुत हिट था, तो उसी ने इंटरव्यू में बताया कि जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक टीम रखी, है ना, तो वही चीज़ जो मैं सिंगल कैमरे से कर रहा था वो मैंने मल्टी कैमरा एंगल से करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी वीडियोस चली ही नहीं। नहीं ये तो जनरली एक पैटर्न है, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल तो आप क्या करते हो, उन चीज़ों पे अपना टाइम और पैसा लगाने लग जाते हो जो आपको लगता है ज़रूरी है, बट वो बड़ी इरेलीवेंट होती है, इनफैक्ट आपका मेन फोकस जो होता है वो हट जाता है। तो उसने कहा मैं दोबारा से वही अपने कैमरा हाथ में पकड़ा और दोबारा से वीडियो बनाई, तो वो चल गई। तो कई बार पैसा भी वो चीज़ नहीं कर पाता जो आप, आपका एक जो छोटा सा फोन कर रहा है ना, वो हो सकता है कि कैमरा भी ना कर पाए, तो अभी तो ऐसा ही है। तो और अभी क्या प्लान आगे, फ्यूचर प्लान्स कुछ? फ्यूचर एक तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अगर ग्रेजुएशन हो जाए, एक तो पहले प्लेसमेंट मिल जाए जहाँ भी मिले, बस करेंगे, और आगे फिर एमसीए करनी है, सोच तो रहा हूँ। बाकी देखो इसे भी साथ साथ कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ना मेरा हमेशा से मतलब कंटेंट क्रिएशन एक प्रायोरिटी नहीं रहा, क्योंकि अब घर वालों को ही पता है ना यार कि एक डिग्री यार सबको दिखना चाहिए ना। बिल्कुल, मेरे को एक कि जॉब मिल जाए, इसे भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा कम ही। कल को ताने ना मिली तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना कितना पढ़ा हुआ है। ताना जरूरी है। ताने मिली। तो कनाडा का कोई प्लान? कनाडा के अभी तो प्लान्स नहीं है, ऐसा है कि दोस्त सो तो जा ही रहे हैं, कभी कभी करता है, लेकिन जाऊंगा तो अपने पैसों पे जाना है। अच्छा, कि घर वालों पे ना आए, अपने पैसों पे जाना है, जाएंगे तो अपने पैसों पे जाएंगे, ये है सीन। तो कभी आइलेट्स वगैरह पे नहीं सोचा कि कोई कंटेंट बनाऊं? आइलेट्स वगैरह हाँ, जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले होते हैं। हाँ, आया आइडिया भी, अभी बनाऊंगा, आपने दे दिया। लेकिन कुछ बना सकते हैं। अंग्रेजी कितनी अच्छी है? इंग्लिश मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, वैसे ही या वैसे नहीं अच्छी? वैसे ही नहीं अच्छी। वैसे भी नहीं अच्छी, तो वो वैसे ऐसे नहीं अच्छी नहीं है बस। नहीं ठीक है, काम नहीं पता तुम्हें सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना। हाँ, वो चीज़ जॉनी सिंस पता तुम्हें? हाँ, जॉनी सिंस के लिए इंग्लिश क्यों चाहिए? नहीं नहीं, ये वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं जॉनी सिंस कौन है, बट जब मैं टाइप करता हूँ तो आई कैन ऑल्सो, मेरे साथ ऐसा होता है कि स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं जॉनी सिंस के, स्पेलिंग गलत हो ठीक है इंग्लिश मेरी की। क्या है? JHONNYSINS। मेरे को डबल एन का नहीं पता था। अच्छा, तो सो आई थिंक विद दिस वी अभी आर आउट ऑफ टाइम, तो मैं त्रिलोचन को बोलूँगा कि आज का एपिसोड क्लोज करेगा। तो आज
विदा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गरीब है यार एक बारी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लेते हैं विदा इसी बात के साथ। ये मुद्दा अभी भी जारी है कि श्री राम हलवाई के बेसन के लड्डू कौन चुरा रहा है। तो अभी कैमरा पर्सन वीर के साथ, कैमरा पर्सन वीर के साथ, जो कि आज कैमरा पर्सन नहीं है। ये त्रिलोचन, मैं सुदीप और ये निखिल, एंड वी होप यू हैड फन वाचिंग दिस पॉडकास्ट। मजा आया आपको देख के, और आपको भी मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। किस चीज का? पूड़ी छोटे का। ओके, बाय बाय। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। इसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है।